हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल WWDC 2020 का इवेंट था, यानी कि एप्पल ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो एप्पल ने अपने नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में iOS 14 को इस इवेंट में प्रेजेंट कर दिया है। नए iOS 14 वर्जन में कई सारे इंटरफेस लेवल चेंजेस किए गए, ऐप लाइब्रेरी और रीडिजाइन विजिट शामिल है। iOS 14 अपडेट पिक्चर इन पिक्चर यानी कि PIP सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चला सकते हैं। साथ ही एप्पल ने अपग्रेडेड सीरी भी प्रेजेंट किया है, जिसमें अब फुल स्क्रीन इंटरफेस नहीं है और अब किसी भी स्क्रीन पर विजिट ला सकते हैं। इसके अलावा iOS 14 में एक ट्रांसलेशन ऐप भी जोड़ा गया है, जो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में साइड बाय ट्रांसलेशन ऑफर करता है। ये गूगल ट्रांसलेशन को चुनौती दे सकता है। iOS 14 के नए अपडेट में न्यू मैसेज एक्सपीरियंस भी शामिल है, जो नए मोमोजी ऑफर करता है। इसमें फेस मास्क सपोर्ट भी शामिल है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नया iOS 14 है, ये कौन से एप्पल के डिवाइसेस में सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, नया iOS 14 उन सभी स्मार्टफोन पर काम करेगा जो iOS 13 के साथ कंपेटिबल है। इसका मतलब है कि नया iOS वर्जन पुराने iPhone 6s को लेकर नए iPhone SE के साथ काम करेगा। iOS 14 कंपेटिबल डिवाइस में iPhone SE, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus और iPhone SE के अंदर ये iOS 14 काम करेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे iOS 14 के कुछ नए फीचर्स की बात करता हूँ, यानी कि iOS 14 में जो नए फीचर्स जोड़े गए उनकी बात करता हूँ। तो उनके अंदर सबसे पहले आता है ऐप लाइब्रेरी। दोस्तों, iOS 13 के अपग्रेड के तौर पर प्रेजेंट किए गए iOS 14 में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर ऐप लाइब्रेरी व्यू को जोड़ा है, जो कई एप्स को एक सिंगल स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली ग्रुप करता है। इसमें एक जिगल मोड है, जो होम स्क्रीन पर वेरियस पेजेस को हाइड और उन्हें लाइब्रेरी व्यू में भेजने की परमिशन देता है। वीडियो लवर्स के लिए iOS 14 में पिक्चर इन पिक्चर यानी कि PIP सपोर्ट मिलता है, जो आपको वीडियो देखते समय या फेस टाइम कॉल पर बात करते हुए अपने आईफोन पर एप्स को एक्सेस करने की सर्विस देता है। ये ठीक वैसे ही एक्सपीरियंस देता है जैसे एंड्रॉइड डिवाइस पर PIP काम करता है। हालांकि इसमें पिंच टू जूम सपोर्ट भी मिलता है, जिससे PIP व्यू एप्पल एप्स के ऊपर भी काम करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपग्रेडेड सीरी की। तो दोस्तों, नए iOS 14 में सीरी को एक नए लुक के साथ प्रेजेंट किया है, जो डिवाइस की पूरी स्क्रीन कैप्चर करने के बजाय डिस्प्ले के निचले पार्ट में दिखाई देता है। फेडरेगी ने बताया है कि इस साल हमने पूरी तरह से नए कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ सीरी एक्सपीरियंस को रीडिजाइन किया है। और दोस्तों, कंपनी ने यह भी दावा किया है कि वॉइस असिस्टेंट 3 साल पहले की तुलना में अब 20 गुना अधिक सटीकता से काम करेगा। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एप्पल की अपनी नई ट्रांसलेशन ऐप के बारे में। तो एप्पल ने नया ट्रांसलेशन ऐप भी प्रेजेंट कर दिया है, जो गूगल ट्रांसलेशन को एक कंपटीशन यानी कि एक चुनौती देगा। तो दोस्तों, एप्पल ने नया ट्रांसलेशन ऐप भी प्रेजेंट कर दिया है, जो गूगल ट्रांसलेट को चुनौती देगा और यूजर को वेरियस लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेट करने की परमिशन देगा। साथ ही जो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में साइड बाय ट्रांसलेशन ऑफर करेगा। और ऐसे में एप्पल फिलहाल अभी 11 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें अंग्रेजी, मदारिन, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतावली, जापानी, कोरियाई, अरबी, पुर्तगाली और रूसी शामिल है। अभी इसमें कोई भी इंडिक भाषा नहीं मिलेगी, हिंदी भी इसमें नहीं है अभी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ नए मैसेज एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों, अपडेट है iOS 14 में आईफोन पर अपनी पसंदीदा कन्वर्सेशन को पिन करने की कैपेसिटी के साथ यहाँ मैसेज एक्सपीरियंस मिलेगा। मोमोजी के लिए नए इमोजी स्टिकर और 20 नए हेडवियर स्टाइल भी है। एप्पल एक फेस मास्क ऑप्शन भी लाया है, जिसे आप अपने को मोमोजी कैरेक्टर में जोड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एप्पल के न्यूली एडिट एप्पल मैप्स के बारे में। तो iOS 14 पे एप्पल मैप्स को क्यूरेटेड गाइड के साथ अपडेट भी मिला है। ये साइकिलिंग सपोर्ट के साथ आता है, जो शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजलिस, जो सैन फ्रांसिस्को के बीजिंग और शंघाई तक रहेगा। इसके अलावा एप्पल मैप्स में एक नया ईवी रूटिंग फीचर शामिल किया है, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऐप क्लिप्स के बारे में। तो दोस्तों, नए iOS 14 में एक अपडेटेड ऐप स्टोर भी शामिल है, जिसमें ऐप क्लिप्स का सपोर्ट है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ एप्पल के अपग्रेडेड फाइंड माई के बारे में, यानी कि एप्पल ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट और एसेसरीज को खोजने के लिए एक सपोर्टेड फाइंड माई को भी शामिल किया है, जो नए फाइंड माई नेटवर्क एसेसरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। प्राइवेसी रिपोर्ट फीचर के साथ एक नया सफारी भी है, जो आपको ये देखने की सुविधा देता है कि कौन से क्रॉस साइट टैकर ब्लॉक किए गए हैं। ब्राउजर में यूजर के सेव किए गए पासवर्ड का पता लगाने में मदद करने के लिए एक पासवर्ड मॉनिटरिंग भी शामिल है, जो डेटा ब्रीच में भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा वेब पेजों के लिए बिल्ट इन ट्रांसलेशन सपोर्ट भी है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ WWDC 2020 की कुछ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको चाहिए आगे भी एप्पल की कुछ अपडेट्स, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।